हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साल की सबसे बड़ी एकादशी पर चौखट के नीचे बांध एक चीज़ घर पर खींची चली आएंगी, माँ लक्ष्मी। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को है। इस साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। ज्योतिष विद्वाओं की माने तो निर्जला एकादशी के दिव्य उपाय आर्थिक तंगी को दूर करके आपको माला माल कर सकते हैं। आपका एक दान यह उपाय माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, इसलिए आपको ये सब जरूर करना चाहिए। तुलसी से जुड़ा है यह उपाय। कहते हैं कि तुलसी की जड़ से जुड़ा यह उपाय गरीबी और दरिद्रता को आसानी से दहलीज से कोस दूर कर रखता है। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर मुख्य दरवाजे की चौखट से तुलसी की जड़ बांध दीजिए। इससे दरिद्रता का नाश होगा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। यह सरल उपाय घर में धन की आवश्यकता को बनाए रखता है, दरिद्रता को दूर रखता है, घर के सदस्यों को कभी कर्जदार नहीं होने देता। माँ लक्ष्मी का मन चंचल होता है, इसलिए वो कभी एक स्थान पर ठहरती नहीं है। इसलिए ये उपाय करने से घर में लक्ष्मी हमेशा रुकी रहती है और कभी धन की किल्लत नहीं होती। एक लाल कपड़े में तुलसी की जड़ को अक्षत के साथ बांध दे, फिर इस कपड़े को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे। आप चाहें तो देवी माँ लक्ष्मी के चरणों की पादुका भी लगा सकते हैं या फिर मंगल प्रतीक चिन्ह भी लगा सकते हैं। इस दिन श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद को दाल और आटा दान करना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, आम समेत आदि फलों का दान करना बहुत शुभ है। निर्जला एकादशी पर गरीबों को धन दान करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य को अमोघ फल की प्राप्ति का नाम दिया गया है। साथ ही यह सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में 18 जून को निर्जला एकादशी पड़ रही है। व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत में अन्नजल पीने का भी मनाही होती है। इस व्रत के नियमों की अनदेखी करने से व्रती को व्रत का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता। इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म का वर्णन है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 24 एकादशियों के बराबर पुण्यफल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती, व्रत रखा जाए। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत से व्रति को यश, सम्मान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति, इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी तिथि में कुछ खास उपाय करने का विधान है। उपाय को करने से आर्थिक समस्या से तंगी से छुटकारा मिलता है, तो निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय जगत के पालनहार और माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी कृपा बनी थी, जिससे व्यक्ति की सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की तुलसी की मंजीरी अर्पित करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त। ध्यान रखें कि एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते या मंजीरी ना तोड़े। भगवान को अर्पित करने से एक दिन पहले ही आप तुलसी मंजीरी तोड़ लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी बहुत अच्छा हो, तो निर्जला एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। पूजा के समय भगवान विष्णु से आय और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी को चावल की खीर प्रिय है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर पूजा के समय भगवान विष्णु को अखंडित चावल बिना टूटे हुए गुड़ से ही बनी खीर भोग में अर्पित करें। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण शीघ्र प्रसन्न होते हैं, हर समस्या से आपको छुटकारा देते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हो तो निर्जला एकादशी के दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की अवश्य पूजा करें और धन की देवी माँ लक्ष्मी को आप अवश्य खीर का भोग लगाएं। हो सके तो आप मखाने की खीर अवश्य अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक पर भगवान श्री हरि के विष्णु की कृपा विशेष होती है। और आपको एक उपाय और करना चाहिए कि आपको सुबह के समय तुलसी के सामने जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का आपको पूजा के समय
ये सब उपाय आपको जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री हरि और महालक्ष्मी के मंत्रों का जप अवश्य आपको करना चाहिए, आपको ज़रूरतमंद लोगों को। और उस दिन अगर हो सके तो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का अगर सुनने का मन हो तो आपको सुनना चाहिए। पवित्र स्थानों में स्नान करना चाहिए और तुलसी के पास अपनी सुहाग की चीज़ें भी आप अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको इन सब उपायों को करने से आपके घर में कभी भी धन की और अन्य की कभी भी कमी नहीं होगी। और आप तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांध कर अवश्य रखें दरवाजे में, जिससे कि माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर से बाहर ना जा सके और आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होती रहे। इन छोटे छोटे उपायों को करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए दरिद्रता का नाश होगा। और आपको एकादशी की सुबह आपको सुबह ही सुबह उठ के अपने घर को एकदम स्वच्छ करके और अपने वस्त्रों को एकदम स्वच्छ करके और पूजा स्थल को एकदम पवित्र करके गंगा जल से शुद्ध करके पूजा की विधि के साथ बैठ जाना चाहिए और विधिवत भगवान की पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।